हे आज के वीडियो में बात करने वाला है 20 चीज़ों की जो कि मुझे वानो आर्क की अच्छी लगी। एज यू ऑल नो मांगा में फाइनली वानो आर्क ख़त्म हो चुका है, तो आई थिंक नाउ इज़ अ गुड टाइम टू पॉइंट आउट दी बेस्ट थिंग्स दैट वी गॉट टू सी इन दिस बिग फकिंग आर्क। इस वीडियो में दुनिया भर के मांगा स्पॉयलर्स होने वाले हैं ऑब्वियसली, तो एनिमे ओनली वाले भग जाओ, मांगा वाले मज़े लो इस वीडियो का। लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो मुझे इस आर्क का बहुत अच्छा लगा वो है वानो कंट्री का ओवरऑल डिज़ाइन एंड डिटेलिंग। वन पीस में बहुत से ब्यूटीफुल लोकेशंस, आइलैंड्स, कंट्रीज देखने को मिले हैं आज तक, एंड पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि अभी तक जितने भी लोकेशंस हमने देखे हैं वानो उनमें से सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ओडा ने अपना पूरा दिमाग रगड़ दिया इसको बनाने में, एंड ओडा ने वानो कंट्री को इतना ज़्यादा डिटेल में दिखाया ना। वानो में ही ओडा ने ओडोन जैसे प्रिजन दिखा दिया, फ्लावर कैपिटल जैसे प्रॉस्परस जगह भी दिखा दिया, फिर एक आइसोलेटेड आइलैंड टाइप्स भी दिखा दिया ओनिगाशिमा, उसमें फिर दुनिया भर के फ्लोर्स और हर फ्लोर्स और रूम्स को एकदम तरीके से एक्सप्लोर किया है ओडा ने। वानो में घुसने के रास्ते को भी ओडा ने एकदम मस्त वे में दिखाया है, पूरा एक मैप बनाया है ओडा ने वानो कंट्री का, और मैप के हर जगह को ओडा ने अच्छे से एक्सप्लोर किया है। वानो कंट्री अभी तक का सबसे ज़्यादा डिटेल्ड लोकेशन है एंड शायद सबसे ब्यूटीफुल भी। एंड अगर इतना इनॉर्मस और डिटेल्ड लोकेशन इतने बड़े आर्क के लिए नहीं होता तो शायद ओनिगाशिमा वॉर का इनिशियल सेटअप चूत गया होता। दूसरा चीज़ जो मुझे बहुत अच्छा लगा इस आर्क में वो है काइडो। ये आर्क शायद इतना फन टू रीड या फन टू वॉच नहीं होता अगर काइडो नहीं होता तो। काइडो स्टार्टिंग में एक नॉर्मल सा ही विलन लग रहा था, बट जब लूफी उससे वन शॉट हुआ काइडो के लिए सब हाइप्ड अप हुए, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट काइडो ने उस हाइप को अच्छे से डिलीवर किया। काइडो नो डाउट अभी तक का सबसे ज़्यादा टफ ओपोनेंट था लूफी का। काइडो ने थ्रू आउट वानो एक टेंशन बना के रखा था। मुझे याद है कि ओनिगाशिमा वॉर के क्लाइमेक्स के टाइम पर भी काइडो हारेगा ऐसा नहीं लग रहा था। काइडो ने ऐसे योंग को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है, इनफैक्ट उसने सबके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा किया है। काइडो का पर्सनैलिटी भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लौंडा समुराइस को उनके ब्रेवरी के लिए तारीफ भी करता है और फिर इससे लड़ने के लिए चूतिया भी बोलता है। काइडो एट द सेम टाइम एक बिच कैरेक्टर भी है, अपनी बेटी को कैद करके रखा था हरामखोर। हम सब ने जैसा काइडो के बारे में सोचा था कि काइडो लूफी को कुत्ता बनाएगा, कुछ ज़्यादा ही कुत्ता बना दिया काइडो ने लूफी को, एंड सिर्फ लूफी को ही नहीं और भी कैरेक्टर्स को। काइडो इज़ वन ऑफ द बेस्ट वन पीस एंटैगनिस्ट। यू कुड कॉल हिम बोरिंग बट ही वेंट अबव एंड बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस। ये जो आर्क था ना ये एक बहुत इन्फॉर्मेटिव आर्क भी था, सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आर्क एक्चुअली। बहुत सारी चीज़ें पता चली है हमें, एंड मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन मिला है हमें ओडन के जर्नी वाले स्टोरी और आई शुड से बैक स्टोरी से। ओके, कितने लोग अग्री करते हैं कि ओडन का बैक स्टोरी जितने भी बैक स्टोरीज हमने आज तक देखा है उनमें से बेस्ट है? इस बैक स्टोरी में हमें ओडन के पूरे जर्नी के बारे में दिखाया गया कि कैसे वो वाइट बेड और रॉजर से मिला था, उनके साथ घूमने गया था, रॉजर कैसे उसकी वजह से वन पीस खोज पाया, रॉजर के पायरेट किंग बनने की जर्नी में ओडन का कितना बड़ा रोल था, साथ ही में ओरोची और काइडो का वानो में क्या क्या सीन हो रहा था सेम टाइम पर, एंड ऑब्वियसली हमें ओडन का लेजेंडरी डेथ भी देखने को मिला, कैसे वो वानो के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। इस बैक स्टोरी में ही ओडा ने हमें बहुत आंसर्स भी दिए हैं, जैसे कि स्काइपिया के सोने में किसने और क्यों वो मैसेज लिखा था जिसको रॉबिन ने रीड किया था। फोर्थ रोड पुनेग्लिफ का लोकेशन पता चला हमें, जॉयबॉय के बारे में हिंट्स मिले, रॉजर और वाइटबेड की स्ट्रेंथ की एक झलक दिखी, ओडन कितना स्ट्रांग था ये भी दिखा हमें इसी बैक स्टोरी में। एक फन, इन्फॉर्मेटिव एंड एट द सेम टाइम ट्रेजेडी से भरा हुआ बैक स्टोरी था ये, एंड अगर ये नहीं होता तो अभी भी अपने सामने दुनिया भर के क्वेश्चंस होते। वैसे दुनिया भर के क्वेश्चंस है अभी भी, बट ये बैक स्टोरी के होने की वजह से बहुत क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए हमें। ओडा ने लिटरली ओडन को फ्रैंकी से भी कनेक्ट कर दिया लमा। आई लव दिस बैक स्टोरी एंड ओडन, एंड हाँ ओडन वुडेंट बी ओडन इफ इट वॉज नॉट बॉइल्ड। इसी आर्क के बीच में ही हमें ज़ेबेक और गॉड वैली इंसिडेंट के बारे में भी पता चला है। सेंगोकू चीचा ने हमें बताया है इसके बारे में, एंड इस इन्फॉर्मेशन की वजह से रॉक्सडी ज़ेबेक के लिए बहुत ज़्यादा हाइप बन गया है। नॉट ओनली दैट, हमें पता चला है कि रॉक्स को हरा के ही गार्प हीरो ऑफ द मरीन्स बना था। अब अनटिल नाउ मुझे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था गार्प के बैक स्टोरी पर। आई मीन कूल बुड्ढा है, एक्शन में दिखेगा तो मज़ा आएगा, इतना ही सोचता था मैं। बट अब मुझे इस इंसिडेंट के बारे में और रॉक्स के बारे में जानना है। आई मीन उस बंदे के अंडर वाइट बियर्ड बिग मॉम शिकी काइडो जैसे थे, प्लस रॉक्स एक डी क्लैन का मेंबर था,
ओडा डिड अ ग्रेट थिंग बाई टेलिंग अस अबाउट रॉक्स एंड द गॉड वैली. फ्यूचर में जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा इससे रिलेटेड जानने के लिए मैं और बाकी भी वन पीस के फैंस बहुत एक्साइटेड है. इस वीडियो में मैंने इसको एज वन ऑफ द बेस्ट थिंग इसलिए भी बोला क्योंकि अगर ये चीज़ हमें वानो आर्क में नहीं पता चलता तो मेरा सेकेंड मोस्ट पॉपुलर वीडियो कभी बनता ही नहीं. वेल वानो आर्क को स्टार्टिंग से बहुत लोग ऐसा आर्क सोच रहे थे जिसमें ओडा जोरो को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे जैसे सांजी को WCI आर्क में दिया था. ऐसा हुआ तो नहीं बट हमें जोरो के अभी तक के सबसे बेस्ट फीट्स देखने को मिले वानो में एंड इतने फीट्स पॉसिबल हो पाए जोरो के बिग ब्रेन गूदा एंड अभी तक के बेस्ट पावर अप की वजह से चुकी है एनमा. नो डाउट अभी तक का जोरो का बेस्ट पावर अप है एंड मुझे एनमा बहुत पसंद आया. जोरो दुनिया भर के हरकतें कर पाया इसकी वजह से, जोरो एक अलग लेवल पर स्ट्रांग हो पाया इसकी वजह से. देखने में भी एनमा क्यूल है, नॉट मोर देन शुशुई बट स्टिल एनमा भी मस्त दिखता है. एनमा इज दी वन ऑफ द टू स्वॉर्ड्स जिससे काइडो को परमानेंट स्कार दिया गया है. ओडन भी इससे दुनिया भर के हरकतें किया था. जोरो ने आशुरा जैसे चीज़ें पुलअप किया है इसकी वजह से. आई एम हैप्पी कि जोरो को एनमा मिला, ही ट्रूली डिजर्व्स इट एंड होप्स कि आगे हमें जोरो और एनमा के और बढ़िया बढ़िया हरकतें देखने को मिले. मुझे जहाँ तक लगता है कि मैक्सिमम लोग वानो आर्क से पहले जोआन फ्रूट को वीकेस्ट टाइप ऑफ डेविल फ्रूट मानते थे एंड उन सब को इंक्लूडिंग मी वानो ने एक ज़ोरदार चाटा दिया है. वानो में इतना ज़्यादा जोआन फ्रूट यूजर्स दिखे हैं ना एंड वो भी इतने मस्त मस्त. ऐसा नहीं कि वीक और गंदे फ्रूट वाले दिखे हैं, इतने प्यारे मॉडल्स दिखे अपने को जोआन के. अजर ड्रैगन, एट हेडेड स्नेक, ओकुचिनो माकामी, टेरानोडॉन, ब्रैचियोसोरस, स्पाइनोसोरस, फीनिक्स, टीगोसोरस, मैमथ एंड ऑफकोर्स सन गॉड निका. ये चीज़ मुझे इस आर्क का बहुत अच्छा लगा कि जोआंस को भी तरीके का अटेंशन मिला. काइडो का पायरेट क्रू जोआन फ्रूट्स के थीम पे बेस्ड है, जैसे बिग मॉम का क्रू खाने से रिलेटेड पैरामीटर पे बेस्ड था एंड इस आर्क ने हमें दिखाया है कि जोआन एंड जोआन फ्रूट यूजर्स भी किस हद तक स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं. मोस्ट रिडिकुलस पावर भी एक जोआन फ्रूट ही प्रोवाइड करता है लमाओ. सिर्फ लोगिया और पैरामीसा ही अच्छे और कूल नहीं है, जोआन फ्रूट्स भी काफ़ी कूल और बैड एस पावर दे सकते हैं. अब शायद ही कोई जोआन को सबसे वीकेस्ट टाइप ऑफ डेविल फ्रूट बोलेगा. आई लाइक इट. इस आर्क में वैसे जोआन फ्रूट्स के साथ साथ हाकी को भी काफ़ी अटेंशन मिला है. हमें रियू के बारे में पता चला जो कि वानो के लोग आर्मामेंट हाकी को ही बोलते हैं. वानो में हमें आर्मामेंट हाकी यूज़ करने का एक अलग तरीका प्लस आर्मामेंट हाकी का ही एक एडवांस्ड वर्जन के बारे में पता चला है जिसके थ्रू यूज़र इंटरनल डिस्ट्रक्शन कर सकता है या दे सकता है. WCI में हमें ऑब्जर्वेशन हाकी का एडवांस वर्जन के बारे में पता चला था फ्यूचर साइड जो कि बहुत कूल वर्जन था एंड तब से ही मैं बहुत हाइप्ड था आर्मामेंट और कॉन्करर हाकी के एडवांस वर्जन के लिए. एंड ओडा ने मुझे तो एटलीस्ट डिसअपॉइंट नहीं किया. बुसोशोकू हाकी के एडवांस वर्जन का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत सही लगा. लूफी के काफ़ी काम भी आया वो, इसकी वजह से ही काइडो ने लूफी को डॉज किया था. लूफी काइडो को ट्रूली हर्ट कर पाया था एडवांस्ड आर्मामेंट हाकी की वजह से ही. एडवांस आर्मामेंट के साथ साथ कॉन्करर्स हाकी का भी एडवांस वर्जन देखने को मिला है हमें, कॉन्करर्स हाकी इन्फ्यूजन जिसमें यूज़र कॉन्करर्स हाकी को अपने वेपन या फिर बॉडी के साथ इन्फ्यूज़ कर लेता है जिससे एक थिक इनविजिबल लेयर बन जाता है यूज़र के वेपन या बॉडी पर एंड ये बहुत गंदा डैमेज करता है. इसका भी कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, प्लस लूफी ने जिस वे में इसको यूज़ किया काइडो के अगेंस्ट मज़ा आया. काइडो ने भी इसको यूज़ करते हुए ही लूफी को 3-4 बार हराया. 10-10 में जब ये चीज़ रिवील हुआ था ना तब इतना ज़्यादा गूजबम्स आया था भाई, मज़ा आ गया था. दोनों एडवांस वर्जन बिल्कुल भी डिसअपॉइंटिंग नहीं लगे मुझे एंड लूफी हद स्ट्रॉन्ग हो गया इन एडवांस वर्जन्स को सीख कर, विच इज़ वाई आई एम हैप्पी. क्या करूँ ब्रो, लूफी ताड़ जो हूँ. एट्थ चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आया वानो आर्क का वो है इस आर्क का ट्रेटर कांजरो. आई एम गेसिंग कि सबको ये बेकार लगता है, विच इज़ वाई आई लव दिस कैरेक्टर. बिच ने एक प्योर ईविल ब्रेन वॉश्ड एंटैगनिस्ट का रोल प्ले किया है. आशुरा डोजी भी इसके हाथों ही मरा और उसी का टट्टा था ये, मरते मरते भी आग लगा के मरा ये. कांजरो का ट्रेटर वाला रिवील वन ऑफ द बेस्ट शॉकिंग मोमेंट्स है वन पीस का. मजा आया था जब मैं इसको रीड किया था तो, बढ़िया ट्विस्ट था ये. कांजरो नो डाउट एक बहुत मस्त एंटैगनिस्ट था वानो आर्क का, एक मस्त सांप था वानो आर्क का. वैसे क्या तुम भी ओनिगाशिमा वॉर के लिए ज़्यादा हाइप्ड अप नहीं थे? सच बताऊँ तो मैं नहीं था, क्योंकि ओनिगाशिमा वॉर एक पायरेट्स वर्सेस पायरेट्स वाला वॉर था. प्लस पहले से ही सारे मेन कैरेक्टर्स के डेविल फ्रूट पावर्स और दुनिया भर का चीज़ हमें पता था. लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ ना जिसकी वजह से मैं और सब वन पीस फैंस का इस वॉर से हद एक्सपेक्टेशंस बढ़ गया, और वो चीज़ था रूफ पीस.
चैप्टर 1000 से 1013 तक जो रूफटॉप पे इवेंट्स हुए, शायद उसकी वजह से ही ओनिगाशिमा वॉर से लोग हद एक्सपेक्टेशंस बनाने लग गए थे। वर्स्ट जनरेशन वर्सेस योंकोस, इतना प्यारा फाइट देखने को मिला हमें रूफटॉप पे। लूफी, किड, लॉ, जोरो, किलर, पांचों वर्स्ट जेन वाले जिस वे में अपने अपने टेक्निक्स एंड एबिलिटीज दिखाए। लूफी एडवांस आर्मामेंट यूज़ करते हुए दिखा, जोरो ने वानों के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को कुछ सेकंड्स के लिए टैंक किया, फिर जोरो का आशुरा, लॉयड, किड का बिग मॉम के लिए प्लान, लूफी का हाउशोकू इन्फ्यूजन, सब बेस्ट। एंड इससे भी अच्छा मुझे ये लगा कि कैसे बिग मॉम और काइडो ने वर्स्ट जेन के सारे अटैक्स एंड प्लान्स को काउंटर कर दिया हलवे की तरह। योंकोस औकात दिखा दिए वर्स्ट जेन पायरेट्स को, विच इज़ वॉट हाइप्ड दिस वॉर। रूफ पीस अगर नहीं होता तो ओनिगाशिमा वॉर बहुत फीका लगता, एंड आई फील लक्की कि मैंने रूफ पीस को लाइव विटनेस किया था, एंड जिन लोगों ने एक साथ पढ़ा है रूफ पीस को बाद में, भाई दुनिया भर के गूज़बम्प्स फील किए होंगे ये तो। वानो आर्क में ही हमें कर्स्ट स्वॉर्ड और स्वॉर्ड के विल के बारे में भी पता चला है, एंड आई लाइक कि कैसे कर्स्ट स्वॉर्ड एक्चुअली में एक बुलशिट चीज़ है। वीक स्वॉर्ड्समैन स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड को कर्स्ट स्वॉर्ड बोलते हैं, लमाओ। स्वॉर्ड्स भी काइंड ऑफ हैरी पॉटर में जो वैंड थे ना, छड़ी, वो जिससे जादू करते थे, वो जैसे अपने मास्टर्स को चूज़ करते थे वैसे ही स्वॉर्ड्स भी अपने मास्टर को चूज़ करते हैं। आई एम हैप्पी कि कर्स्ट स्वॉर्ड मतलब कुछ डीमन डेविल जैसा नहीं है, थ्योरी सुनने मिली थी डीमन डेविल वाला, अच्छा है वैसा कुछ सीन नहीं है। पूरे वानों में अगर सबसे ज़्यादा इम्प्रेस मुझे किसी ने किया है ना तो वो है लॉ। लॉ का इम्प्रूवमेंट वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है पूरे वानो आर्क का। ये बंदा ड्रेसरोसा में कैसे चूचर लिया था, और वानो में लॉन्डन ने हॉकिंस को पेला, फिर ओनिगाशिमा में बेस्ट असिस्ट किया इसने मस्त बिग मॉम वाला प्लान बनाया और उसको एग्जीक्यूट भी अच्छे से किया था। लॉ ने सारे वर्स्ट जेन पायरेट्स को जब पॉसिबल हो तब प्रोटेक्ट किया, जैसे कि जोरो के कॉम्बिनेशन अटैक टैंक करने के बाद इसने सबको टेलीपोर्ट करके बचाया, फिर जोरो को काइडो एक बार हाउशो को इन्फ्यूज़ करके मारने वाला था बट लॉ उसको टेलीपोर्ट कर दिया था एंड जोरो बच गया था। अकाजायज के पिटने के बाद भी लॉ उनको टेलीपोर्ट करके नीचे ले गया, फिर लास्ट में जोरो के साथ खुद वो नीचे गया। लॉ ने काइडो के उस हाउशो को इन्फ्यूज्ड अटैक को टैंक किया और होश में रहा, जिससे लूफी भी स्टार्टिंग में पिट गया था। फिर लॉ अवेकनिंग करके दुनिया भर का डैमेज किया बिग मॉम को, एंड बिग मॉम को हराने में भी लॉ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। लॉ का इम्प्रूवमेंट मेरे को एकदम नेक्स्ट लेवल लगा। ओपे ओपे नोमी को घिस के यूज़ कर दिया लॉ, एंड क्योंकि लॉ मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स है, मुझे अच्छा लगा लॉ इस आर्क में। मेरे हिसाब से ही इज़ द MVP ऑफ ओनिगाशिमा वॉर। बिग मॉम का डिफीट भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अब बिग मॉम किड लॉ फाइट में प्रॉब्लम्स थे, बट जिस तरीके से ओडा ने बिग मॉम को वॉर से हटाया वो चीज़ बहुत अच्छा लगा मुझे। बिग मॉम वानो वॉर की सेकेंड सबसे बड़ी दिक्कत थी। काइडो के केस में तो लूफी था उसको संभालने, बट बिग मॉम को हराना लिटरली इम्पॉसिबल था, लेकिन लॉ किड ने दिमाग लगा के सिचुएशन का यूज़ करके बिग मॉम को हरा दिया। इवन दो स्ट्रेंथ वाइज बिग मॉम उन दोनों से बहुत ज़्यादा ऊपर थी और किड लॉ बिल्कुल भी बिग मॉम को ओवरपावर नहीं कर पा रहे थे, बट अगर तुम किसी को नॉकआउट करके नहीं हरा सकते तो रिंग से हटा के हरा दो, विच इज़ वॉट किड एंड लॉ डिड। मज़ा आया था इस फाइट के कंक्लूजन को देख के। वैसे लॉ इज़ नॉट दी ओनली कैरेक्टर जो कि MVP वाले हरकतें किया है ओनिगाशिमा वॉर में। एक और कैरेक्टर है जिसने इतने इंपॉर्टेंट हरकत किया है पूरे वॉर में, एंड ये एक न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कैरेक्टर होकर भी तुरंत सबको पसंद आ गई, यामाटो। यामाटो का पास्ट अच्छा था, उसका डेडिकेशन टू बी लाइक ओडन पसंद आया मुझे, उसका और लूफी का केमिस्ट्री पसंद आया मुझे। यामाटो ने इतने बड़े बड़े हरकतें किए, उसने हाइब्रिड काइडो के साथ काफ़ी टाइम तक फाइट किया एंड उसको बिजी रखा। यामाटो ने तो लॉ से भी ज़्यादा काइडो के हाउशोकू इन्फ्यूज्ड अटैक्स को टैंक किया, एंड काइडो यामाटो के अटैक से ब्लीड भी हुआ। यामाटो उन गिने चुने लोगों में से एक है जो कि हाउशोकू इन्फ्यूजन को मास्टर कर रखी है। शी इज़ द यूज़र ऑफ इनू इनू नोमी ओकुचिनो माकामी। यामाटो आइस अटैक्स कर सकती है दुनिया भर के। यामाटो ने और भी बहुत हरकतें किया है वॉर में, उसने ओनिगाशिमा के बॉम्ब्स को फ्रीज किया और ओनिगाशिमा को फटने से बचाया। मोमो को उसने उड़ना सिखाया, नामी लोग को उसने बचाया उल्टी से, एंड ये सब चीज़ करने के बाद भी यामाटो नॉकआउट नहीं हुई। यामाटो एक बहुत स्ट्रॉन्ग, फनी, ब्यूटीफुल कैरेक्टर लगी मुझे, एंड वानो आर्क की ये वन ऑफ दी बेस्ट कैरेक्टर है, नो कैप। कुछ कैरेक्टर्स का कैरेक्टर डेवलपमेंट और ग्रोथ भी बेस्ट लगा मुझे इस आर्क में। पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा है सांजी, नामी और मोमो की। सांजी जो कि कभी वुमेन को खतरे में नहीं डालता था, पहली बार एक वुमेन से हेल्प मांगा। नामी फट्टू लड़की है बट वो लूफी के ड्रीम की बेइज्जती करने के बदले मरने का ऑप्शन चूज़ की। मोमो जो कि काइडो से ट्रॉमेटाइज्ड था प्लस नाम का लीडर था बस, वो एक ट्रू लीडर बनके उभरा एंड काइडो को फेस किया उसने।
प्लस मोमो ने लिटरली वानो के लिए अपना क्रूशियल 20 ईयर सैक्रिफाइस कर दिया। सांजी पहले हमेशा लूफी और बाकियों को प्रायोरिटाइज करता था हर चीज़ में, बट वानो में सांजी ने खुद का सुना और जर्मा के पावर्स को रिजेक्ट कर दिया। इन तीनों का ग्रोथ इस आर्क में इतना ब्यूटीफुल लगा मुझे, मस्त एकदम। वानो में बहुत बड़े बड़े रिवील्स हुए हैं। वन ऑफ देम इज गोमोगोमो नोमी'ज रियल नेम, हितोहितो नोमी मॉडल निका। अब जब ये चीज़ रिवील हुआ था ना, तब मैं इतना खुश नहीं था, बट अगर थोड़ा सोचने जाए तो इट वॉज़ अ ग्रेट डिसीजन बाय ओडा, ऑल्दो हमें इसके बारे में अभी तक ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट वी कैन नॉट आर्ग्यू क्योंकि ओडा ने काफ़ी हिंट दे रखा था ऑलरेडी इस रिवील का। पंख हजार्ड में जब मोमो और लूफी बात कर रहे थे, तब लूफी ने बोला था कि मैं थोड़ी जवान फ्रूट यूज़र हूँ। अभी जब इस टाइप के मल्टीपल रेफरेंसेस ध्यान में आया, तब लगा कि हाँ, ये एक रश डिसीजन नहीं था। इस रिवील के बाद हमें लूफी का अवेकनिंग भी देखने को मिला एंड गियर 5 भी, एंड उसमें लूफी के दुनिया भर के क्रिएटिव अटैक्स, मजा आया। प्लस इसी रिवील से जॉयबॉय को भी कनेक्ट कर दिया ओडा ने, एंड पर्सनली भी मैं ग्लैड हूँ कि ये रिवील हुआ, वरना मेरा मोस्ट पॉपुलर वीडियो कभी बनता ही नहीं, लमाओ। पहले मुझे लगा था कि एक रश्ड डिसीजन है, बट ओनिगाशिमा वॉर के ख़त्म होने के बाद जब मैंने थोड़ा सोचा, तब लगा कि नहीं, इसका ओडा एक बहुत प्यारा जस्टिफिकेशन दे सकता है, जिसकी बात मैंने इस वीडियो में की थी। उसके बाद तो आई वॉज लाइक बेस्ट। वानो आर्क में बहुत 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 सारे कैरेक्टर्स हैं, ओनिगाशिमा वॉर में भी बहुत सारे कैरेक्टर्स ने पार्ट लिया, एंड जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे ओनिगाशिमा वॉर में, सबको ओडा ने अच्छा खासा स्क्रीन टाइम दिया है, एंड लिटरली सब ने कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट किया है। सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जैसे कि सारे स्ट्रॉ हैट्स, फर्स्ट जेन वाले, योंकोस, उनके कमांडर्स एक्सेप्ट बिग मोम पायरेट्स, उनके साथ क्या हुआ पता नहीं, अकाजायास, ह्योगोरो और उसके चेले, ईजो, CP0, मार्को, टोबीरोपोस, तामा, कोमाचियो, यामाटो, कैरेट, वोंडा, नेको, इनू, सब ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इतने सारे कैरेक्टर्स को अच्छा खासा स्क्रीन टाइम देना एंड मैनेज करना इज टू मच, एंड ओडा ने ये चीज़ किया है तरीके से, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई भी कैरेक्टर यूजलेस तो नहीं था, इवन उसोप भी लास्ट में किनेमोन को बचा के अपना थोड़ा सा रोल प्ले कर दिया। सबको ओडा ने स्पॉटलाइट दिया। फाइटिंग में अगर किसी को इतना कुछ करने को नहीं मिला तो कुछ और करके कंट्रीब्यूट किया है, बट कंट्रीब्यूट किया है। ब्रूक भी फाइटिंग के नाम पर बस वो बिच मारिया के चमचियों को मारा था, बट उसके बाद रॉबिन को प्रोटेक्ट भी किया उसने। राइजो दल्ला भी लास्ट में पानी मार के अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर दिया। साबो के अराउंड भी हमें इस आर्क में बहुत कुछ होते हुए दिखा है। साबो को ओडा ने बहुतों का हीरो बना दिया, एंड पर्सनली मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा मस्त लगा। सबको जानना था कि साबो के साथ हुआ क्या है, लमाओ बच के भाग गया वो, सिंपल। भाई बहुत सिंपल चीज़ हुआ है, बट कभी कभी सिंपल चीज़ें ही ज़्यादा अच्छी लगती है। कुमा को भी बचा लिया साबो, एंड एक बैडस टाइटल भी अर्न कर लिया इसने, फ्लेम एम्परर। आगे रिवोल्यूशनरी को देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। साबो कैरेक्टर को ओडा ने अचानक से हद इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बना दिया, ड्रैगन से ज़्यादा पॉपुलर हो गया है साबो, नाइस। जैसा मैंने पहले भी बोला कि रिवील्स बड़े बड़े हुए हैं वानो में, एक और रिवील जो मुझे मस्त लगा वो है ओल्ड वानो का। ओल्ड वानो वाला चीज़ एकदम अनएक्सपेक्टेड था एंड अच्छा था। वाटरफॉल्स का ओरिजिन पता चल गया हमें, जो नशा क्यों वानो आई थी हम गेस कर सकते हैं अब, क्यों बिना कुछ किए वो चल दी अब वो भी पता चल गया हमें मोस्ट लाइकली। वानो एग्जैक्टली ओपन कैसे हो सकता है पता चल गया हमें, प्लूटोन का लोकेशन पता चल गया हमें, एंड सुकिया की दल्ला भी कुछ काम आ गया। ओल्ड वानो एक बहुत अच्छा रिवील था। ये जो वॉल्स वानो के आसपास है, क्या ये फ्यूचर में टूटेंगे? अगर हाँ तो कब टूटेगा ये, कैसे टूटेगा ये? आई वॉन्ट टू नो, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, यस मज़ा आएगा। बिग मॉम काइडो के पिटने के बाद हमें न्यू योंकोस के बारे में पता चला, एंड दिस थिंग आई लव्ड इट, मज़ा आ गया। बग्गी न्यू योंको बन गया, एंड इट वॉज अ ग्रेट सरप्राइज, फनी था ये बहुत। बग्गी डिजर्व करता है योंको बनना, जहाँ तक मुझे लगता है। बहुत ग्राइंड किया है लॉन्डे ने, डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो हमें वानो आर्क में देखने को मिली। क्रोकोडाइल और मिहॉक को भी ओडा ने न्यू वर्ल्ड में ला के योंको से कनेक्ट कर दिया, एंड बग्गी ने मरीन्स पर बाउंटी लगा दिया, लमाओ। ये अलग ही हरकतें कर रहा भाई, मज़ा आ गया, पता है बहुत, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये चीज़। लूफी भी योंको बन गया फाइनली, एंड 1057 में वानो को अपना फर्स्ट ऑफिशियल टेरिटरी भी बना दिया लूफी ने। मैच्योर भी लगा भाई लूफी, बढ़िया। 20वां चीज़ जो मुझे इस आर्क का बेस्ट लगा, एक्चुअली मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि वानो का एकदम बेस्ट है,
जो कि इस लिस्ट के 20th पोजीशन को डिजर्व करता है, कमेंट्स में बताओ एंड एक्शन मत बोल देना, ठीक है? हर आर्क में होता है वो, ठीक है? ऐसा कुछ बताओ जो वानो आर्क में बेस्ट था। आई नो मैंने और भी चीज़ें छोड़ दी, जैसे कि सांजी और रॉबिन का पावर अप, बट मैंने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को इस लिस्ट में ऐड किया है जो कि मुझे बेस्ट लगी। आई गेस दैट्स इट। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ऐसा लग रहा है कि लॉन्डे बेल आइकन नहीं दबाए हैं इसलिए सारा व्यूज़ नहीं आ रहा आजकल। दबा देना बेल आइकन भी, ठीक है? नोटिफिकेशन आएगा एंड जब नोटिफिकेशन आएगा तब तुरंत वीडियो देख के मेरे को व्यूज़ देना, ठीक है? एंड अब नेक्स्ट वीडियो वहाँ सुनने मिलेगी, तो बाय बाय।